बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायके में। तो आज की रेसिपी बहुत ही चटपटी और शानदार होने वाली है। मूंग की दाल है हमारे पास सिलके के बगैर और इसको हम एक खूबसूरत से बॉल में डाल देंगे। इसको पहले मैंने अच्छे से छाट लिया था, अब हम इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा पानी और इसको हम धोएंगे। याद रखिएगा, दालों के अंदर बहुत से केमिकल्स यूज होते हैं ताकि इसको फंगस ना लगे, तो दाल को धोने में कभी भी कंजूसी मत किया करें। ढेर सारे पानी से खुला इसको धोया करें। चलें जी, इसको हम धोएंगे जब तक के पानी इस तरह से नीट एंड क्लीन नहीं हो जाता, तो 3 से 4 दफा मुझे पानी चेंज करना पड़ा। अब हम इसको भिगो कर रख देंगे 4 से 6 घंटे के लिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे दाल ने अच्छे से पानी को पी लिया है, दाल फूल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है, मतलब कि ये हमारी रेसिपी के लिए आज की तैयार है। हमने क्या करना है, इसको जो इसका पानी है उसको स्ट्रेनर में डाल के निकाल देना है अच्छी तरह से। चलें जी, और एक लेंगे खूबसूरत सा टावल, कोई भी टिश्यू पेपर ले लें, इसमें हम इसको इस तरह से डाल देंगे। और हमें एक्चुअली करना क्या है कि दाल के ऊपर जो पानी लगा हुआ ना, जो नमी है, उसको हमने यहाँ पे सुखाना है, ड्राई करना है, ठीक है। तो ये टावल से ये काम ज़रा जल्दी हो जाता है। तो याद रखिएगा कि इस रेसिपी में दाल को भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कम से कम 4 से 6 घंटे। तो यहाँ पे इसके ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा पानी था उसको हम ड्राई कर चुके हैं, अब चम्मच में डालेंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म करके रखा था, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम पकाएंगे। कोशिश कीजिएगा ऑयल कम हो, कढ़ाई बड़ी हो, ताकि ऑयल बाहर ना आए। और यहाँ पे एक बात और कि जब आपने सारी दाल को अंदर डाल देना है, ये ले डाल देते हैं, अब टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है ऑयल का, तब आपने एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला देना है। इसकी पकाई कब तक करनी है, बहुत अहम स्टेप है। यहाँ पे अगर आपने गलती की तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है, आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं, आपका दिल टूट सकता है। तो उसकी ये निशानी है कि लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे जब तक ये ऊपर नहीं आ जाती, बबल्स कम नहीं हो जाते। जब ये ऊपर आ जाए ऑयल के, मतलब इसकी नमी दूर हो चुकी है। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। ये गोल्डन हो चुकी है, ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और चम्मच के साथ ये फील हो रही है कि ये क्रिस्पी भी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको फ़ौरन से टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेना है ताकि इसका ऑयल जो है वो अब्जॉर्ब कर ले। याद रखिएगा, टिश्यू पेपर की कीमत आपकी तंदुरुस्ती सेहत से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होती। इसको हम निकाल लेंगे, मज़ीद इसको ऑयल के अंदर नहीं रखेंगे, फ्लेम हमने ऑफ़ कर लिया ताकि ये जल ना जाए। अब मसालों को ध्यान से देखिएगा, बहुत स्पेशल बात है, जो दाल मूंग होती है फ्राइड, इसके अंदर कुछ स्पेशल मसाले जाते हैं, सब नहीं जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें चिकन पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून और ये है नमक, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ये चीज़ें इसमें डालें, जस्ट वाइट नमक और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर नहीं है तो डजंट मैटर, सिर्फ नमक इसमें डाल दें। अच्छे से इसको मिक्स करें और इसको आप सेव कर सकते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी जार के अंदर, और ये 2 से 3 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया या नया सिखाया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो को लाइक तो आज बनता ही है। दुआ में याद रखिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।